नमस्ते बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है वैक्यूम्स। इन टुडेज लेक्चर हम लोग सेल ऑर्गेनेल में से उस ऑर्गेनेल की बात करेंगे जो स्टोरेज के काम आता है। वैक्यूम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटा सा लेक्चर है, बड़े आसानी से तुझे याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है तुझसे। वैक्यूल, पहला पॉइंट, वैक्यूल के आजू बाजू में मेम्ब्रेन होता है बेटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ओके, सैक यानी स्टोरेज डिपार्टमेंट। एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके आजू बाजू में पतला सा मेम्ब्रेन है, पतला सा लेयर है, ओके, और वो स्टोरेज के काम आता है। अब अक्सर ये सवाल उठता है कि वैक्यूल प्लांट सेल में मिलेगा कि एनिमल सेल में मिलेगा, तो ये याद रखो, वैक्यूल्स दोनों में होता है। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। खाली फर्क ही है बेटा, एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वैक्यूल्स एकदम छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही कम होते हैं, और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वैक्यूल्स बहुत ही बड़े होते हैं, जड़िया पड़िया, ओके, जड़िया पड़िया मींस लार्ज बेटा, और बहुत सारे होते हैं, एंड दे आर मेनी इन नंबर, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये याद रखो। दूसरा, और तो और कुछ कुछ प्लांट सेल्स के अंदर, ओके, देर आर टू टू थ्री वैक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज परमानेंट वैक्यूल्स। तो अगर ये एमसीक्यू में पूछा तो ये याद रखना, परमानेंट वैक्यूल्स कितना होता है प्लांट सेल के अंदर, सो टू टू थ्री इन नंबर, इतना याद रखो। नेक्स्ट, कुछ कुछ प्लांट सेल में जो बड़े होते हैं, सो इन लार्ज प्लांट सेल्स एकदम बीचों बीच में एक बड़ा वैक्यूल मिलेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेंट्रल वैक्यूल। और ये जो सेंट्रल वैक्यूल होता है, ओके, लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल बेटा, ये ना प्लांट सेल है, पता कैसे पता चला ये प्लांट सेल, क्योंकि इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है, ओके। अब यहां पर एक बड़ा सा वैक्यूल, ये रहा वैक्यूल, ओके, इस वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल में द न्यूक्लियस इज ऑल्सो पुश्ड टूवर्ड्स द पेरिफेरी, जो मेन बॉस है न्यूक्लियस उसको भी धक्का मार देता है कोने में, क्योंकि वैक्यूल बीच वाला एकदम बड़ा है, जाड़ा पाड़िया है। दिस वैक्यूल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल वैक्यूल, रिमेंबर। अब ये सेंट्रल वैक्यूल ना, जितना भी इसके अंदर वॉल्यूम है उसका 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एमसीक्यू में आता है, ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल। तो सेल का 90% वॉल्यूम इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द सेंट्रल वैक्यूल। नेक्स्ट, वैक्यूल का जो कवरिंग है, ओके, इस कवरिंग को हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके, द वैक्यूल का कवरिंग इज कॉल्ड एज अ टोनोप्लास्ट। सो द मेम्ब्रेन और द कवरिंग ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, ओके। अच्छा, अब ये जो टोनोप्लास्ट है ना, इट डज नॉट अलाउ ऑल द मटेरियल टू कम इनसाइड, इट अलाउज ओनली हाफ द कंटेंट टू कम इनसाइड, इसलिए इसको सेमी परमिएबल बोलते हैं। खास करके ये वाटर को अंदर आने देता है और वाटर का स्टोरेज करवाता है वैक्यूल्स में बेटा, इसलिए यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस टोनोप्लास्ट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये तुमको याद रखना है कि टोनोप्लास्ट कैसा मेम्ब्रेन है, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मींस हाफ, परमिएबल मींस टू अलाउ, ओके, खास करके पानी का स्टोरेज करवाएगा वैक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट ये है कि वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल, सो विल राइट डाउन, इट मेंटेन्स टर्जिडिटी of cells, turgidity means the swollen structure of the cell, समझो ये एक cell, अब इसमें पानी भरा, बाहर से पानी आया, इसके अंदर भर गया, so cell becomes swollen, hypha language में हम लोग बोलते हैं the cell becomes turgid, okay, so this turgidity is maintained only because of vacuoles। next,
वैक्यूल का जो टोनोप्लास्ट है ओके, ये जो मेम्ब्रेन है इसके वजह से वैक्यूल के अंदर का जो पानी है उसका कंपोजिशन बना रहता है बेटा। सो हियर वी विल राइट नेक्स्ट पॉइंट एज अ टोनोप्लास्ट मेंटेन्स द कंपोजिशन ऑफ वैक्यूलर फ्लूइड। इट मेंटेन्स अ कंपोजिशन ऑफ वैक्यूलर फ्लूइड। और वैक्यूलर फ्लूइड को हम लोग सेल सैप भी बोलते हैं बेटा। ओके अब सुन, जैसे अगर ये सेंट्रल वैक्यूल है ओके राइट, उसके कवरिंग को हम लोग ने टोनोप्लास्ट बोला। अब इसके अंदर जो पानी भरा रहता है ओके, इस पानी को हम लोग वैक्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं और इस पानी को हम लोग सेल सैप भी बोल सकते हैं। सर सैप मतलब क्या? सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल्स प्लस अदर शुगर। ओके राइट अच्छा, अब यहां एक जरूरी बात यह बनती है बेटा कि ये टोनोप्लास्ट की वजह से इस सेल सैप में कितना पानी रहेगा, इसमें कितना मिनरल्स रहेगा, कितना शुगर रहेगा, वो डिटरमाइन करता है। क्योंकि टोनोप्लास्ट डिसाइड करेगा कि बाहर से कितना पानी वैक्यूल के अंदर एंट्री मारेगा बेटा। और एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि वैक्यूलर फ्लूइड और जो सेल सैप है ना, ये हमेशा दिस फ्लूइड इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर्ड टू द साइटोसोल। यानी आजू बाजू के साइटोप्लाज्म के फ्लूइड के मुकाबले अपने वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक है। यानी ये फ्लूइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज कंपेयर्ड टू यहां जो फ्लूइड है, इसको साइटोसोल बोलेंगे ना, साइटोप्लाज्म बेटा। मैं वापस से रिपीट करता हूं, मैं तीन प्लस डाल देता हूं, प्लस प्लस प्लस। वैक्यूल के अंदर जो पानी है दैट पानी इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू द फ्लूइड इन द साइटोसोल। हाइपरटोनिक वर्ड याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम लोग वर्ड का पोस्टमार्टम करें, वैक्यूल वर्ड को काटें, तो वैक्यूल वर्ड वैक्यूम जैसा सुनाई देता है। वैक्यूम यानी क्या? एम्प्टी, खाली जगह। उसी तरह से वैक्यूल क्या है ना, ये प्लांट सेल के अंदर छोटा छोटा डब्बा दिया गॉड ने। अपने को कैसे डब्बा देते हैं? हम लोग किचन में जो डब्बा रखता है उसमें सब खाना भर के रखता है। क्यों? कभी भूख लगेगा तो इमरजेंसी टाइम में जाके खा सकता है। रात में जब सब लोग सो जाएगा तो चोरी छुपे जाके खा सकता है, क्योंकि हमको मालूम है डब्बे में देयर इज अ स्टोर्ड फूड। सो वैक्यूल इज लाइक एम्प्टी वेसल्स। इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड वैक्यूम, खाली डब्बा। ये डब्बा किचन में रखा है तो इसमें खाना रखा है, और यही डब्बा घर के बाहर रखा है तो ये कचरे का डब्बा। यानी इस डब्बे में, खाली डब्बे में तुम चाहो तो यूजफुल प्रोडक्ट भी स्टोर कर सकते हो और तुम चाहो तो वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर कर सकते हो। यूजफुल प्रोडक्ट में सेल सैप, वाटर, मिनरल, शुगर, ये सब भी भरा रह सकता है। और कुछ कुछ वैक्यूल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होता है बेटा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होगा, उसके अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हो सकता है बेटा। और ऐसे वैक्यूल जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, ऐसे वैक्यूल के वजह से प्लांट के अलग अलग हिस्से बिकम्स अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल मींस बैड टेस्ट। खाते बराबर तुम बोलेगा छी क्या खा लिया मैंने गलती से। सो इट मेक्स The plant part unpalatable to herbivorous animal. Okay, ये तुमको याद रखना बेटा। यानी अगर कोई herbivorous animal अगर प्लांट के किसी भी हिस्से को खाता है और खाते ही थूक देता है, बोलता है आ थूक, ये क्या खा लिया मैंने गलती से, राइट? तो उस herbivorous animal को बोलेगा इधर आ, मैं तेरे को इसके पीछे का बायोलॉजी समझाता है। तूने जो लीफ खाया ना, पत्ता खा लिया तूने, वो लीफ के अंदर सेल होंगे। क्यों? बिकॉज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तुझे पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो टपली मारने का उसको बेटा। ओके धीरे से मारने का, जानवर का भी मान सम्मान करने का बेटा। फिर उसको बोलने का सेल है
तो सेल के अंदर वैक्यूल होगा और उस वैक्यूल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, गंदगी है प्लांट की। अब गंदगी खाएगा तो उल्टी तो करेगा ना, तू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, जो तुम फ्लावर के पेटल्स देखते हो ना कलरफुल, मजा आ जाता है देख के कि वाह क्या फिल्मी लाइफ है, इतना रंग बिरंगा तरह तरह का फ्लावर्स है। तो फ्लावर के पेटल्स में जो कलर देखते हो, क्योंकि पेटल्स के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसमें पिगमेंट्स स्टोर होते हैं। पिगमेंट्स यानी कलर्ड केमिकल्स। सो वी विल राइट डाउन द अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ द पेटल्स इज पॉसिबल ओनली बिकॉज इट्स वैक्यूल कंटेन्स कलर्ड केमिकल्स कॉल्ड एज पिगमेंट्स। और ऐसे पिगमेंट में से एक पिगमेंट का नाम याद रखो, एंथोसाइनिन। इसके वजह से फ्लावर के पेटल्स को कलर्स आता है, और ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं बेटा। तो नेक्स्ट टाइम कोई तुमसे पूछेगा ना कि ये फ्लावर रंग बिरंगे क्यों होते हैं, तो बोलने का इसके पेटल के सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर पिगमेंट्स हैं। वन ऑफ द पिगमेंट विच गिव्स कलर इज एंथोसाइनिन। लोग सुनते बराबर 180 हो जाएगा, 180 यानी सीधा फ्लैट हो जाएगा, बोलेगा इसको तगड़ा बायो आता है। फिर बोलना मेरे को अवस्थी सर सिखाया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट दो ही पॉइंट है बेटा। तुमको एग्जाम में पूछेंगे कि फूड वैक्यूल किस में पाया जाता है, सो फूड वैक्यूल यू विल फाइंड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा। ओके एंड नेक्स्ट तुमसे पूछा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है। Contractile vacuole you will find in amoeba. और इस contractile vacuole का function क्या है? It is responsible for excretion. That means removal of waste. And it is responsible for osmoregulation. Osmo यानी water, regulate करना यानी balance करना, यानी cell के अंदर कितना पानी रहना चाहिए और कितना पानी जाना चाहिए। ओके कितना पानी आना चाहिए कितना पानी जाना चाहिए, ये वाटर के लेवल को, ये वाटर के बैलेंस को बनाए रखने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। सो फूड वैक्यूल्स इन प्रोटिस्ट का बहुत इजी है, एफ का पी बनाने का, एफ से फूड एफ का बन जाएगा, एफ 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 को ही पी बनाओ ना बेटा। सो फूड वैक्यूल्स इज फाउंड इन प्रोटिस्ट का। ओके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा। चलो फोटो ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट बच्चों, सो दैट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट लेक्चर रिगार्ड टू वैक्यूल। इसमें याद रखना एनिमल सेल में छोटा छोटा वैक्यूल, कैसा जी छोटा छोटा और बहुत कम होता है। प्लांट सेल में लय जाड़िया पाड़िया वैक्यूल। अच्छा एग्जाम में बाहर ये जाड़िया पाड़िया छोटा छोटा बोलने का नहीं, उधर प्रॉपर लैंग्वेज में बोलने का। अवस्थी सर मजाक कर रहे हैं, याद रखने का। ओके अच्छा मूविंग ऑन, उसके अलावा वैक्यूल्स कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है, तो याद रखो 90%। बीच में जो बड़ा वैक्यूल है सेंट्रल वैक्यूल, बाकी परमानेंट वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल के कवरिंग को क्या बोलोगे, टोनोप्लास्ट बोलोगे। वैक्यूल मेंटेन्स व्हाट, टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ओके वैक्यूल के अंदर जो पानी है उसको वैक्यूलर फ्लूइड और सेल सैप बोलना है। एंड इज इट हाइपरटोनिक आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक टू साइटोसोल, देन इट इज हाइपरटोनिक। उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहता है। वैक्यूल्स में अच्छा मटेरियल भी स्टोर किया जा सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी स्टोर किया जाता है। पेटल्स का जो कलर है इट इज बिकॉज उसमें पिगमेंट्स स्टोर किए जाते हैं। फूड वैक्यूल्स प्रोटिस्ट में मिलेगा और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में मिलेगा, अमीबा। हाय हाय कौन सी बा, अमीबा। सो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट वैक्यूल्स। मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये लेक्चर समझा है। मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में और एक सेल ऑर्गेनेल लेके, तब तक इसका नोट्स बनाओ और मन लगा के पढ़ते रहो। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, नमस्ते।